वेलकम बैक टू अवर चैनल इन बी ऑलवेज ब्यूटीफुल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गई हूँ एक बहुत ही जबरदस्त हेयर मास्क, जिससे आपके बालों को ये एकदम सिल्की बना देगा, स्मूथ बना देगा, फ्रिज फ्री, डैमेज फ्री बना देगा और आपके सफेद बालों को भी कंट्रोल करेगा, आपके जो डैमेज हेयर है उसको रिपेयर करेगा, आपके फ्रिज हेयर है उसको स्मूथ और सिल्की और शाइनी बनाएगा, आपके बालों में एक बहुत ही अच्छी शाइन लाएगा। इसको आपको हफ्ते में एक बार ही यूज करना है, हर हफ्ते में आपको इसे एक बार यूज करना है। 3 से 4 यूजेस के बाद इसका आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप चाहेंगे कि हम ये रेमेडी हर रोज यूज करें और ये जो हमारा हेयर मास्क है वो आपके बालों को बिल्कुल ज्यादा शाइनी बना देगा, ब्लैक बना देगा, बहुत ही ज्यादा घना और हेल्दी बना देने वाला है। ये जो है हेयर रेमेडी में हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमारे किचन में अवेलेबल होती है। हर किचन में ये जो रेमेडी है, इंग्रेडिएंट है, वो हमेशा अवेलेबल होता है, जो कि है पहला हमारा कलौंजी। ये जो कलौंजी है ये हमें हर किचन में देखने मिलता है, हम इसे हर चीज़ में भी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर चीज़ में हमें कलौंजी का जो होता है वो काम आता है। बात करें इसके फ़ायदे की तो ये बालों में बहुत सारे फ़ायदे लाता है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे बाल की जो ग्रोथ होती है वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। जो कलौंजी होता है वो आपके बालों को हर तरह से सुंदर बनाता है, मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके बाल जो सफ़ेद होने लगते हैं उसको कंट्रोल करता है, अगर आप इस कलौंजी का इस्तेमाल करें तो। ये जो कलौंजी होता है वो काफ़ी इजीली हमें किसी भी शॉप में मिल जाता है और ये हमारे किचन में अवेलेबल होता ही होता है। नेक्स्ट जो है हमारा सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट, जो अगर हम बालों के हेयर रेमेडी की बात करें तो ये वाला जो इंग्रेडिएंट है वो सबसे पहले आता है, जो कि है मेथी दाना। ये जो मेथी दाना है वो हमारे बालों में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें, मीन्स प्रोटीन, विटामिन, सब मीन्स जो इसके अंदर जितने मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ में फास्ट करता है, हमारे सफ़ेद बाल को ये सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है और हमारे बालों में एक अच्छा सा चमक लाता है। इससे हमारे बालों में काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है और हमारे बाल, इसका पेस्ट लगाने से हमारे बाल में और भी ज़्यादा अच्छा सा एक ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, हमारे बाल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है वो है दही, मीन्स कर्ड, जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, काफ़ी सारे डिशेस में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो अवेलेबल होता है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो विटामिन भी इसके अंदर काफ़ी सारे होते हैं। ये जो दही है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, जो बालों को मजबूत करता है। अगर हम इसे गर्मी में इसको लगाएं तो ये हमारे लिए जो ड्राई हेयर्स होते हैं, हमारे विंटर्स में हमारे जो हेयर्स ड्राई हो जाते हैं उसको कंट्रोल करता है, हमारे स्कैल्प में मीन्स हमारे जड़ में जो ड्राइनेस आ जाती है वो उसको कंट्रोल करता है और हमारे बाल में जो डैंड्रफ आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको कंट्रोल करता है और हमारे बाल को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। ये जो है ये काफ़ी अच्छा है हमारे हेयर के लिए, हमारे हेयर को ये सॉफ्ट बनाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। यहाँ पर मैंने एक क्रीमी टेक्सचर का कर्ड लिया है, देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी पानी डाला हुआ नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा क्रीमी कर्ड है, जो कि हमारे बालों को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है। जिस तरह की इसकी टेक्सचर है सॉफ्ट, वैसे ये हमारे बालों को भी बना देता है सॉफ्ट। तो अब जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई के, जो ऑयल होती है, मीन्स इसके अंदर जो ऑयल होता है वो हमारे हेयर के ग्रोथिंग को फास्ट कर देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो है एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारे बालों में एक अच्छा सा शाइनिंग पैदा करता है, हमारे बाल को और ज़्यादा शाइन बनाता है और हमारे बाल में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको भी मार देता है और ये हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम इसका यूज़ अपने बालों में ऑयल के साथ करें, फिर कोई भी ऑयल हम यूज़ करें, चाहे वो कोकोनट ऑयल हो या फिर कोई भी ऑयल हो, उसके अंदर अगर हम इसे डालें तो ये हमारे बाल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना देता है, हमारे बाल के ग्रोथ को फास्ट कर देता है, हमारे बाल को लंबा करता है और हेल्दी करता है। तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे हमारे हेयर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का रेमेडी बनाना। तो सबसे पहले रेमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक लोहे की कढ़ाई, मीन्स जो आयरन का कढ़ाई आता है वो हमें चाहिए होगा यहाँ पर, जिसमें अगर ये जो हम आयरन का कढ़ाई यूज़ करते हैं इसके अंदर जो चीज़ें होती है, मीन्स जो आयरन होता है उसके अंदर ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोटीन, विटामिन सब देते हैं हमारे हेयर को। इसकी जो पदार्थ होती है वो हमारे जो मटेरियल जो होता है उससे हमारे हेयर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक
नेचुरल ग्लो मिलता है हमारे हेयर में, एक नेचुरल शाइन आता है। अगर हम कोई भी बाल में डाई या मेहंदी लगाते हैं तो फिर ये हमें इसमें भिगोकर लगाना चाहिए, तो हमारे हेयर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा शाइनिंग आ जाएगा। तो आज का हमारा ये रेमेडी हम इसी कढ़ाई में बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही रियल लोहे की कढ़ाई है। तो यहाँ पर जो मैं ले रही हूँ, यहाँ पर जो मात्रा है मिक्स इंग्रेडिएंट्स का जो लेवल है, क्वांटिटी है, वो मैं यहाँ पर, ये जो हमारा कलौंजी है मिक्स, जिसको हम मंगरेला भी बोलते हैं, उसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून मिक्स फुल 1 स्पून ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा 1 स्पून यहाँ पर मैं इसे ले रही हूँ। और फिर जो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी है मेथी की, तो इसकी क्वांटिटी मैं 2 स्पून ले रही हूँ, क्योंकि ये हमारे बालों में और ज़्यादा अच्छा सा एक शाइन लाता है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमें डबल रखनी है। मीन्स जितना हमारा कलौंजी होगा उससे डबल क्वांटिटी हमें इसकी रखनी है। तो यहाँ पर अभी मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ और अभी हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो फटाफट से मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल अच्छे से मेथी दाना और जो कलौंजी है उसको यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो हमारा जो एक और इंग्रेडिएंट है वो है रीठा पाउडर और आमला पाउडर। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो आमला पाउडर और रीठा पाउडर है वो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हमारे बाल में एक कंडीशनर का काम करता है और हमारे जो जड़ है उसको मजबूत करता है और हेल्दी बनाता है। इसलिए आप चाहे तो इसे एकदम ज़रूर डाल सकिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी क्वांटिटी है वो मैं 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे ऐड कर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने यहाँ पर इसे। और फिर जो हमारा एक और इंग्रेडिएंट्स जो था वो है दही। तो यहाँ पर जो दही की क्वांटिटी है वो भी मैं 1 टेबल स्पून के अराउंड ले रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर लिया है और मेरे दही का टेक्सचर आप देख सकते हैं जो कि बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर है यहाँ पर। तो दही को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसके अंदर। और फिर मैं यहाँ पर विटामिन ई का टैबलेट 1 ले रही हूँ। मीन्स अगर आपके पास विटामिन ई है तो आपको 1 टैबलेट डालना है इसका। इसे ओवरनाइट छोड़ देना है ताकि जो इसका कलर है वो ब्लैक हो जाए और ये डाई की तरह लगे। और हाँ, एक और बात, आपको अगर ऐसे आप इसे यूज़ कर दे तो आपको डाई और मेहंदी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अभी हम यहाँ पर इसे प्रिजर्व करके रख लेते हैं ओवरनाइट के लिए और फिर हम ओवरनाइट के बाद इसे देखेंगे कि इसका कलर कितना अच्छा सा ब्लैक जैसा हो जाता है। तो हम इसे छोड़ देते हैं ओवरनाइट के लिए। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे 2 आवर्स के लिए रखा था, तो इसका कलर कितना अच्छा सा डार्क हो गया है। मीन्स पहले जैसा था उससे काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है, लेकिन मैंने इसे 2 आवर्स से छोड़ा है क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत थी, मुझे इसको लगाना था, इसलिए मैंने इसे अभी
2 आवर्स के लिए ही प्रिजर्व किया था। अगर आपको सुबह में लगाना है, मीन्स नेक्स्ट डे लगाना है, तो आपको इसे ओवरनाइट छोड़ना ही पड़ेगा, तभी इसका आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और ये और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। मुझे अभी लगाना था इसलिए मैंने इसके अंदर जो कर्ड है, दही है, वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया था। लेकिन अगर आप इसे ओवरनाइट छोड़ने वाले हैं तो आपको सुबह में ही, मीन्स मॉर्निंग में ही इसके अंदर दही ऐड करना है ओवरनाइट छोड़ने के बाद। और जब आप इसे लगाने वाले हो, अगर प्रिजर्व करके रखने वाले हो, इसके बाद ही आपको इसे दही ऐड करना है। इससे आपका जो इसका कलर है वो और भी ज़्यादा निखर के आएगा और भी ज़्यादा ब्लैक होगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है और इसका कलर जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है जिसमें मैं इसे प्रिजर्व करके रखने वाली हूँ, क्योंकि इसमें जो एयर टाइट कंटेनर में अगर हम इसे प्रिजर्व करके अगर हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसे 1 वीक तक प्रिजर्व कर सकते हैं, 1 वीक तक, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसे 1 वीक के अंदर ही यूज़ कर लें। इतना ही, अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।